हेलो फ्रेंड, आज मेरे पास एक 32 इंची का पैनल है, HP 320 WXC। इस पैनल में प्रॉब्लम आ रही है, हमारी VGL VGH बूस्ट बनने के बाद ड्रॉप हो रही है। तो मैंने इस पैनल को बहुत ही बारीकी से चेक किया, तो मैंने इसमें ये चीज़ मैंने नोटिस की कि इसमें जो साइड को सिग्नल जा रहे हैं वो ओपन हो चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे, जहाँ जहाँ मैंने ये आपको दिखा रहा हूँ वहाँ वहाँ से ये ओपन हो चुके हैं। तो हमारे साइड को के अंदर सिग्नल ना जाने की वजह से हमारी VGL VGH सप्लाई बनने के बाद ड्रॉप हो रही है। तो हमें अब इसको बाईपास करना पड़ेगा। तो हम इसके अब सिग्नल लगाएंगे एक एक करके। पहले हमने एक सिग्नल लगाया है, जो कि 3 नंबर VDD अब हमने दूसरा सिग्नल लगाया है, जो कि XAO। उसके लगाने के बाद हम अब तीसरा सिग्नल लगाएंगे, जो कि हमारा OE सिग्नल है। तीसरा सिग्नल लगाने के बाद हम इसमें CPV वाला सिग्नल लगाएंगे। उसके लगाने के बाद हम इसमें STV का सिग्नल लगाएंगे। STV सिग्नल लगाने के बाद हम पैनल को चेक करके देखेंगे कि हमारा पैनल ओके हुआ है या नहीं, क्योंकि हमने सभी सिग्नल इस पैनल के लगा दिए हैं। क्योंकि सिग्नल की वजह से ही VGL VGH ड्रॉप होती है इस पैनल के अंदर, सबसे ज़्यादा यही दिक्कत आती है। तो ये हमारा पैनल ओके हो चुका है। लास्ट कोफ के अंदर लाइनिंग है, वो हम न्यू कोफ डाल देंगे।